शेरकोट के मोहल्ला नोदना निवासी सरफराज सादाब फैजान पुत्र अयूब ने कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल का एक ड्रा चलाया था, जिसमें कई सौ लोगों का पैसा लेकर ना देने की नियत बना ली। जिस पैसे से संपत्ति खरीदी गई वह सभी पैसा मोटरसाइकिल ड्रा का था। उसी कड़ी में एक मुकदमा उन पर बढ़ापुर थाने में दर्ज किया गया, जिसमें उन पर मुकदमा पंजीकृत कर चालान कर दिया गया, जिसमें तीनों आज भी जेल में बंद है। जिला न्यायालय के आदेश अनुसार इन तीनों की संपत्ति, जिसकी कीमत 2,65,45,000 रुपए आकी गई, एडिशनल एसपी रामर्ज, सीओ सुमित कुमार, अफजलगढ़ सीओ अतुल कुमार, बढ़ापुर थाना अध्यक्ष अनुज कुमार तोमर, शेरकोट सनोज कुमार में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर 19 संपत्तियां कुर्क की और सील कर मुनादी कराकर सभी को बता दिया गया कि इन संपत्तियों को कोई नहीं खरीद पाए, क्योंकि अगली तारीख 14 है, जिसमें इन सब संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा। सभी को एडिशनल एसपी ने मुनादी कर बता दिया। अभियान चलाया जा रहा है और उसी क्रम में जो है आपके मैदना के रहने वाले शादाब और फैजान पुत्रगण आयोग, ये एक शात्री किस्म के अपराधी थे। जोरबंद के जरिए इनके द्वारा जनता का काफी धन जो है लॉटरी का अवैध व्यापार करके लिया गया और उसको जो है फॉर्जरी करके गबन कर लिया गया। इसके क्रम में इनके विरुद्ध जनता की शिकायत पर मुकदमे पंजीकृत किए और बाद में इनके विरुद्ध जो है उत्तर प्रदेश गोबंद यौन समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ। और उसी क्रम में आज जो है सरफराज की 13 संपत्ति, सादाब की 4 संपत्ति व जो है फैजान की 2 संपत्ति, इस प्रकार कुल 19 संपत्तियां जिनकी कीमत लगभग 2,64,45,900 है आकी गई है, उसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा गंगेश्वर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है और उसी तहत और एसडीएम क्या नाम तहसीलदार धामपुर को उसका प्रशासक नियुक्त किया गया है। उसी क्रम में जो जिलाधिकारी महोदय का आदेश है उसका हम लोग अनुपालन करते हुए संपत्तियां कुर्क कर रहे हैं।